मैं नहीं जानता ये किस वजह से हुआ, लेकिन इसको जो मैंने फीड दी ये वही फीड है जो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की हुई है। आप अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और इसको हैंड टेम करना और इसके साथ कैसे खेलना आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी इसको मैंने थोड़ी सी फीड करवाई है जिसकी वजह से इसको ये थोड़ा सा यहाँ से गंदा सा हुआ हुआ है, थोड़ा सा ख़राब हो गया है इसके पर, ये पानी से मैं ठीक कर लूँगा। तो ये देखें, ये माशाल्लाह बिल्कुल बाइट नहीं करता ना तंग करता है बिल्कुल। इसको मैं ऐसे कर लूँ जैसे मर्जी कर लूँ, ये फील यही करता है कि जैसे कोई अपना है या करीबी या जो भी आप कह लें, ये ऐसा फील करता है। और इसको माशाल्लाह इसकी फ्लाइंग भी है, ये फ्लाई भी करता है। तो अभी तो इसकी एज कम है, इंशाल्लाह जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी मैं इंशाल्लाह जैसे हैंड फ्लाइंग टाइम होता है वैसे आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। अगर आपने अपने बर्ड को अपने साथ मानूस करना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको इस साइज़ का बच्चा यानी इससे कम साइज़ के बच्चे की ज़रूरत होगी। आप उसको लें, हैंड फीड पे उठाएं और उसको प्यार करें ऐसे आराम से, उसकी इस साइड पे करें ताकि वो आपको फील करे, आपकी स्मेल ले, और उसकी चोंच में हाथ रखें ताकि वो आपको काटे ना और आपको ऐसे खेले आपके साथ जैसे। और ये ज़ुबान अपनी ज़ुबान जो है वो लगाए, ये देखें ऐसे, और इसके सर पे ऐसे हाथ फेरें और गर्दन के नीचे ऐसे हाथ फेरें और इसको बार बार जो है ना आप ऐसे नीचे छोड़ें और इसको बुलाएं मिठू, और ये आपके पास खुद चल के आए। माशाल्लाह इसके पर पूरे हैं और ये उड़ता भी है, लेकिन इतनी फ्लाइट नहीं है इसकी, बस ये थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। तो इंशाल्लाह एक या दो महीने के करीब में ये फुल फ्लाइंग भी हो जाएगा और इंशाल्लाह फ्लाइंग टेम करेंगे इसको। और कोशिश यही है जो अल्लाह को मंजूर हो आगे। आप सिर्फ ये देखें कि ये फीड से माशाल्लाह 2 महीने 10 दिन या 15 दिन का है। ऐसे गुलाई में, और चोंच जो होती है मेल की चोंच में थोड़ा सा दबाव सा होता है यानी प्रेस हुई होती है, लेकिन इसकी चोंच जो है वो उभर के है, बाहर की तरफ है। तो ये इस टाइम तक तो यही शो करवा रही है कि ये फीमेल है। और अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से इसको हांफना शुरू हो गया है, और अभी इंशाल्लाह इसको पानी वगैरह भी देता हूँ और थोड़ा थोड़ा कोशिश करता है सेल्फ होने का, लेकिन अभी इसकी एज नहीं है। 2 महीने तो कुछ भी एज नहीं होती, इतनी एज में इतनी जल्दी बच्चा सेल्फ नहीं होता, मैक्सिमम 3 महीने या 4 महीने में जाके होता है। अब आप देखें, इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ और बुलाता हूँ मिठू, और ये माशाल्लाह खुद ब खुद जो है आ जाता है मिठू। तो इंशाल्लाह
इसकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और साथ साथ बताता रहूँगा कि मैंने इसको कैसे कैसे टेम किया है। तो अभी तो मैं टाइम नहीं है कि मैं आपको बातों से अंदाज़ा करवा के बता रहा हूँ कि मैंने इसको ऐसे टेम किया है, क्योंकि जब तक ये बर्ड मानूस ना हो तब तक ये टेम नहीं होता। और टेम करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसको प्यार करें ऐसे, और इसके साथ चोंच के साथ अपनी उंगली बिशक ऐसे डालें ताकि ये आपकी अपनी ज़ुबान से आपकी जो जिल्द है, जो स्किन है, उसको महसूस कर ले और फील कर ले कि ये मेरे मेरा पार्टनर है, मेरा दोस्त है, वट एवर जो भी ये समझे, क्योंकि इसकी थिंकिंग तो हम नहीं समझ सकते। और इसको फील, जब फील हो जाएगा कि ये मानूस हो जाएगा, तो आप इसको जैसे भी रखेंगे, आप इसको 2 सेकंड में ऐसे करके सुलाना चाहें सुला सकती हैं, ये सो जाएगा। आप इसको ऐसे ऐसे करें, ये आइज़ बंद करना शुरू कर देगा। तो जितना इजी हो सके, जितना इजी आप इसको लेंगे वो इतना ही इजी है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जिसकी वजह से आप कहें कि यार बहुत मुश्किल है इसको टेम करना, या बहुत बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जस्ट आपको थोड़ा सा टाइम देना है, 1 घंटा 2 घंटे दिन में, बस मैक्सिमम 1 घंटा दिन में दें, 1 घंटा रात में दे दें। जस्ट घंटा भी नहीं दे सकते तो 10 से 15 मिनट दे दें, नहीं दे सकते तो आप इसको किसी केज में, छोटे से केज में रख के आप इसको किसी कमरे में रख लें, अपने कमरे या करीबी कमरे में, जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, जहाँ पे इसको ये महसूस होता रहे कि यार नहीं, मेरे अलावा यहाँ पे यही लोग हैं जिनके साथ मैं मानूस हूँ, जिनके साथ मेरा, जिनको मैं देखता हूँ। क्योंकि अगर इसी के साथ के बर्ड्स को आप इसी के साथ रखेंगे तो ये इतनी जल्दी टेम नहीं होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को मेरे। और हम लोग वीडियोस सिर्फ इस मकसद से बनाते हैं कि अपना एक एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। अगर तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करके लाइक करते हैं और मोटिवेशन के लिए कमेंट करते हैं तो हम लोगों को खुशी होती है, और हम मज़ीद ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। और इंशाल्लाह आपको मेन जो मकसद था इस वीडियो का वो ये था कि थोड़ा सा टेम के बारे में बताना, और थोड़ा सा ये बताना कि जो फीड मैं इसको यूज़ करवाता रहा हूँ वो फीड मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाके वहाँ से उसकी डिस्क्रिप्शन और कैसे बनाई है मैंने वो सारा देख सकते हैं। और ये बताना था कि 2 महीने 10 दिन का बच्चा है, ये वही बच्चा है जो 2 महीने पहले जिसकी मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और उस टाइम था ये 10 से 15 दिन का। तो उसके पहले, उसके बाद से अब तक ये सेल्फ नहीं हुआ लेकिन फुल कवर हो चुका हुआ है और अपने आप में है। और माशाल्लाह साइज, अगर साइज का तयन किया जाए तो ये अपने माँ बाप से ज़्यादा माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव है, मतलब अपने साइज में उनसे भी बड़ा है। तो कभी कभी तो माशाल्लाह मुझे ये फील होता है कि शायद ये रा का बच्चा है। बहरहाल सर, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं काइंडली इसको देखें, शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।